उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है और उसका निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन इन दिनों धार्मिक स्मारकों की कवायदें तेजी से उभरने लगी हैं। कभी कुतुब मीनार तो कभी ताजमहल तो कभी मथुरा। कहना गलत नहीं है कि मौजूदा वक्त में धार्मिक वाद विवाद तेजी से तूल पकड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद इसी विवाद की उलझनों में सिमटी हुई है। इसमें सर्वे का काम चल रहा था जो 3 दिन बाद अब खत्म हो चुका है। इसी दौरान हिंदू पक्ष ने ये दावा किया कि नंदी के मुख के सामने मस्जिद के वजू खाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। इसके बाद अदालत के आदेश पर जिला प्रशासन ने शिवलिंग वाले एरिया को सील कर वहां CRPF जवानों की तैनाती कर दी है। वहीं वजूखाने के सील होने पर मुस्लिम पक्ष ने भी दावा किया है कि जहां शिवलिंग बताया जा रहा है वहां असल में एक फव्वारा है। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसकी फोटो भी वायरल की हुई। इन सब के अलावा मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद की ओर से वायरल फोटो की ज्ञानवापी मस्जिद को देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन ने इस मामले में साफ किया है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने का रिवाज रहा। उसी का एक पत्थर आज सर्वे में खोजा गया, उसे शिवलिंग बताया जा रहा। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अहम सबूतों को सुरक्षित और इकट्ठा कर कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसी याचिका के बाद से वाराणसी कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर के आदेशानुसार वजू खाने वाली जगह को सील कर दिया गया है। सील करते वक्त AGM प्रोटोकॉल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे थे। फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह CRPF की तैनाती में सुरक्षित किया हुआ है। इसी क्षेत्र पर 24 घंटे निगरानी हुई। वहीं हैदराबाद के सांसद और असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम पक्ष को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग है, बल्कि मस्जिद कमेटी ने बताया है कि वो मस्जिद का है और मस्जिद में ये होता है। अगर वे शिवलिंग है तो कोर्ट के कमिश्नर को कहना चाहिए था कि कोर्ट को सील करने वाले आदेश 1991 एक्ट के खिलाफ है। आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे को लेकर भी ओवैसी ने कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, लेकिन अब दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की कि आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शरीफ है कि मोमिन वो है जो दो बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसते देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। इसके साथ ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर वो बोलना जारी रखेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं डरते हैं। आप तमाम लोग कहा कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे।
हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे। अगर हाथ देते हैं तो हाथ उठा करके ये नारे तकबीर।